हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग्स। ये आप देख सकते हैं मेरा रूम हो रहा है खाली। मुझे रूम मिल गया है, ये पूरी पैकिंग कर ली मैंने। ये देखिए, अभी इधर इतने ये रख लिया है मैंने और ये अभी बाकी है। ये देखिए, अभी किचन का ये सामान बाकी है, ये राउटर भी बाकी है। अभी ये राउटर, भाई वीडियो तो इसी से अपलोड होती है। सब सामान पैक हो गया है। ये आप देख सकते हैं मेरी अलमारी वगैरह। ये मेरा पूछू, वो कोने में बैठा है। मेरा पूछू और लगभग तो यहाँ का भी ये कंप्लीट ही हो गया है। ये बैग वगैरह सब देखो आप कैसे पड़ा हुआ है। ये बिस्तर बस बचा है यार, अभी इसको बांधना है मेरे को, इसको बांधना पड़ेगा। और अब दूसरे रूम जाऊंगी तो वहाँ का भी वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग देखना। अभी तो बहुत सारा काम है यार, ये पर्दे वर्दे भी निकालना है। ये देखो अभी पर्दे इधर लगे हुए हैं, थक गई आज सुबह से लगी हुई इस काम में। पता आपको इतना ज़्यादा काम था सुबह से, इतना ज़्यादा काम था कि जिसकी कोई सीमा नहीं है यार। परेशान ही हो गई मैं तो, हालत टाइट हो गई। पूरा रूम इतना सामान, पता है यूज करने के लिए ना इतना सामान नहीं होता, लेकिन उसी सामान को जब पैक करना रहता है तो ऐसे लगता है कितना सारा सामान है, वो बन ही नहीं पाता। आज तो मेरी हालत टाइट हो गई, बुखार सी लग रही, थक गई। तो दो अलमारी है, एक अलमारी ये वाली भी है, ये अभी ये बहुत बड़ी है, इसमें थोड़ा सा रहेगा। और ये तो कपड़े वाली है, तो ये तो आ जाएगी आसानी से, ये तो ज़्यादा भारी नहीं है। ये लकड़ी वाली, लकड़ी का जो सामान है ये थोड़ा रहेगा भारी, और वो कूलर है जो कूलर भारी रहेगा। और ये सब तो नॉर्मली आ ही जाएंगे, राइट। आज मैं ये घर छोड़ रही हूँ फाइनली, यस। परेशान हो गई यार। और आपको पता है इतनी छिपकली, बाप रे बाप, माँ कसम इतनी छिपकली तो ज़िंदगी में मैंने नहीं देखी। पता नहीं कहाँ से आई इतनी सारी छिपकली। और एक ये वाला, ये पैक कर रही थी, ये इसमें पूरा किचन का सामान भरा है मैंने, देखिए ये तो इसमें दो छिपकली के बच्चे छोटे छोटे घुस गए थे, फिर उनको भगाया मैंने। और आज देखो मौसम भी कैसा हो रहा है यार, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, दो दो चार चार बूंदें आ रही पानी की, तो बारिश भी होने वाली है, होगी शायद। देखो आम भरे हुए हैं बहुत सारे, ये आम लगे हैं, आप लोगों को शायद नहीं दिख रहे होंगे, जूम करके दिखाऊं क्या? नहीं हो रहा है यार, देखिए बहुत बड़े बड़े आम लगे हैं, दिख ही रहा होगा मेरे को, तो दिख रहे हैं बड़े बड़े, हम लोग को नहीं दिख रहे होंगे। ये जामुन का पेड़ है, ये वाला जब जामुन फलती है ना तो ये बालकनी में गिरती करती थी जामुन बहुत सारी, बट आम का पेड़ तो दूर है, वो तो मेरे को मिलेगा नहीं। ये मेरी बाथरूम भी खाली हो गई, ये बाथरूम मेरी खाली हो गई। और ये इधर अभी ये कांच वगैरह लगा हुआ है, ये निकालना पड़ेगा। ये मेरी फ्रिज, ये भी खाली हो चुकी है, ये देखिए। इधर का तो पूरा खाली कर दिया है मैंने, क्योंकि सामान इधर थोड़ा थोड़ा रखा हुआ है, और पूरा खाली कर दिया मैंने, खाली कर दी कि रखते बने यार। अब थक गई, गाड़ी वाले को फ़ोन करी हूँ, वो गाड़ी वाला आएगा और सामान लेके जाएगा। आज पूरा रूम जो है ना आज खाली ही हो जाएगा, एनी हाउ हो क्या जाएगा, सब पैक तो हो ही गया। वो गाड़ी वाला आएगा तो उसी गाड़ी में सब सामान रखना पड़ेगा, और इसके लिए मैंने दो तीन बंदों को भी बुलाया हुआ है जो सामान वामान रखवाते हैं ना, तो उनको अब वो लोग आएंगे तो सामान रखवाएंगे, तब वो नए वाले घर में शिफ्ट करूँगी। अब आप लोगों को दिखाऊँगी, ज़माने में भी बैंड बजने वाली है, पता है
किसी घर से जब सामान इधर से उधर रखते हैं ना, बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट? यहाँ से जितना प्रॉब्लम पैकिंग में नहीं होगी, उतनी प्रॉब्लम तो वहाँ जमाने में होगी। आधा तो सामान ही नहीं मिलता करता है मेरे को, आधा सामान ही समझ नहीं आएगा कौन से बैग में क्या रखी थी। दिमाग लगाना पड़ता है, फिर सब एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो सब खोल खोल के देखना पड़ता है। जब तक तो पूरा सामान सेट नहीं हो जाता तो यही सब चलता है ना। सो गाइस, आप देख सकते हैं मेरा डेरा बुचका। ये मेरे भगवान जी, हाय 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 हाय, अभी मेरे भगवान जी को नहीं निकाला मैंने, भगवान जी को निकालूंगी, सब 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 निकालूंगी। तो चलिए गाइस, मैं ये फटाफट कर लेती हूँ काम। देखो कोयल बोल रही है, बोल रही ना, कोयल बोल रही है, कोयलिया बोल रही है, कोयलिया। इधर आम का पेड़ है ना, तो आती करती है। एक दिन उल्लू भी देखा था मैंने, पेड़ में बैठा था, आम के पेड़ में। तो गाइस चलती हूँ, आज तो बस अभी इतना ही। कल फिर आप लोगों को कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी, ये तो आज के ब्लॉग में आपको दिखा दूंगी। इधर का जो है ये देखिए, टीवी वी भी सब पैक कर ली मैंने, ये सब पैक हो गया टोटली। अब जो बचा है इसको भी पैक कर लूँ, फिर आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी।